पर वो उनकी मेंटेलिटी है, हालांकि पीएसएल का उससे कोई लिंक नहीं है, जो इन्होंने रीजन दिया ना वो एक रीजन वैलिड नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान की अपनी फ्रेंचाइज है, उसकी अपनी मतलब रिसोर्सेज हैं और रेवेन्यू है जो पाकिस्तान पे लगता है, लेकिन उसको रिलेट कर रहे हैं केएफसी और इसराइल के साथ। वजह यह है कि उधर से उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बजट उनका ज़्यादा हाई है, जो यहाँ पर उनको नहीं मिल सकता, तो इसीलिए वो प्रेफर वहाँ का कर रहे हैं। खैर, आईपीएल जो है वो जिस तरह से अब क्रिकेट बन गई है, तो आईपीएल को चूंकि लोग ज़्यादा देखते हैं, और फिर ये है कि उनको वहाँ से पेमेंट भी ज़्यादा होती है, तो ये भी मामला हैं, तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उधर ही फिर वो जाएंगे। ये बताओ, क्रिकेट का शौक है? अच्छा, तो पीएसएल जो चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें कौन सी फेवरेट टीम है? इसमें मेरी है पेशावर ज़ल्दी। पेशावर, क्या रीजन है? उसमें बाबर है। ये सब बाबर आजम के पास ही क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या और कोई अच्छा प्लेयर नहीं है पाकिस्तान टीम में? नहीं, जो हमारे लेजेंड्स हैं ना उनको प्रमोट करना चाहिए पहले। अच्छा, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही उनकी फैन बेस है। हर बंदा अपने काम की वजह से ही अपना नाम बनाता होता है, इस वजह से उनकी फैन। अब जैसा कि आपको पता होगा कि अब इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, ठीक है? अब उसी के बीच में हमारी पीसीबी कहती है, ठीक है, कि हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ना जो सीरीज है वो अनाउंस कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि लोग ये सीरीज देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आईपीएल? देखिए, अगर पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए तो वो पीएसएल की फैन है। अच्छा, और मेरे ख्याल से तो पीएसएल आजकल ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। आईपीएल पहले का है, लेकिन पीएसएल ज़्यादा अच्छा है, उसकी मतलब जिसे कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बहुत से लोगों ने पीएसएल का बाइकॉट भी तो किया हुआ है ना, पर वो उनकी मेंटेलिटी है, हालांकि पीएसएल का उससे कोई लिंक नहीं है, जो इन्होंने रीज़न दिया ना वो एक रीज़न वैलिड नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान की अपनी फ्रेंचाइज है, उसकी अपनी मतलब रिसोर्सेज हैं और रेवेन्यू है जो पाकिस्तान पे लगता है, लेकिन उसको रिलेट कर रहे हैं केएफसी और इसराइल के साथ, हालांकि उसका लिंक नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे पीसीबी ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि वहां से जो अब टीम आएगी, ठीक है, वो न्यूजीलैंड की टीम का कहना है कि जो उनके अच्छे प्लेयर है ट्रिम पॉट है और विलियम सेन है, ये लोग नहीं आएंगे, ये आईपीएल खेलने जा रहे हैं? देखिए, उनको वैसे अगर हमारे पीएसएल की डेट अनाउंस पहले हुई है तो उनको हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, पीएसएल की तो नहीं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करें। हाँ, उसकी डेट अगर पहले अनाउंस हुई है तो उनको हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन का ये होता है कि अपनी कमिटमेंट में पूरा रहे। आईपीएल में इनको मिलते होते हैं पैसे, वो होता है कमर्शियल मैच देखा जाए तो। अच्छा, तो हर बंदा जाएगा कमर्शियल चीज़ों की तरफ जहाँ उसे अपना बेनिफिट हो, बट इनको सीरीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इनको अपने अच्छे प्लेयर्स और एक टफ टाइम देना चाहिए, अपने मतलब उस मैच को सीरियस लेना चाहिए। अब देखो, न्यूजीलैंड से अच्छे प्लेयर्स आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो अब जो वहां से टीम आएगी वो इतनी खास तो कोई आ नहीं रही। वही तो मैंने कहा है ना कि इनको पाकिस्तान के फिर जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस तो ज्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है, सीरियस प्लेयर्स होंगे या उनके नॉमिनेटेड प्लेयर, ये मतलब जो डोमिनेट प्लेयर्स हैं उनको होना चाहिए था, बट अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आईपीएल का कहना ये है कि मुझे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है, आखिर उसको इतना वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या इतना कॉन्फिडेंस है आईपीएल को? आईपीएल को अपने ना लगाए हुए पैसे पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो ऑफर बहुत ज्यादा करते हैं इस वजह से। तो इस वजह से जो प्लेयर्स ज्यादातर आईपीएल प्रेफर करते हैं। हाँ, प्लेयर्स इसी वजह से, अगर हमारे पास बजट ज्यादा हो, हमारा पीएसएल जो है वो उससे कहीं बड़ी चीज है। चीज़ों की आप कह रहे बजट कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, पीएसएल में प्लेयर्स इसी वजह से नहीं आते अक्सर, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स आते हैं लेकिन बजट की वजह से नहीं आते। आईपीएल को अपने बजट का कमांड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो, अब जो है ना पीसीबी का कहना ये भी है कि जो इंडिया वाले हैं ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट को खत्म करना चाह रहे हैं अपना पीएसएल बीच में लाकर। नहीं नहीं, इंडिया अपने बारे में यही सोचे ना फिर। अच्छा, तो अपने बारे में सोचे ना कि आईपीएल ला के वो अपनी क्रिकेट खत्म करें, नहीं खत्म होती होती ये जो, यानी कि क्रिकेट नहीं खत्म होगी इस तरह से, इससे तो ज्यादा बेहतर होती है। मतलब देखिए, इसमें आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस मिलता होता है, कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स को
टीम में ब्रेक थ्रू लेने का चांस मिलता है, ये एक बेटर चीज़ होती है। मतलब आप नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ना कि पुराने खिलाड़ी, वो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा था। अब परफॉर्मेंस पब्लिक देखती है पीएसएल के थ्रू, प्लेयर्स की, डोमेस्टिक प्लेयर्स की, ये रीज़न है कि पीएसएल को प्रमोट करना चाहिए। लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैसेज देना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन को अपनी कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने गेम के साथ लॉयल होना चाहिए। बिल्कुल है। कितना? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। पीएसएल देख रही हो? हाँ जी देख रही। फेवरेट टीम कौन सी है? ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर, जो कि बाहर हो चुकी है, वो हमेशा हो जाती है, लेकिन जीती भी। ऐसा ना कहो कि हर बार हो जाए। लास्ट टाइम जीती थी लाहौर कलंदर। किसकी वजह से? शाहीन अफरीदी की वजह से। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे, मैं आपको बताती चलूं कि पीसीबी ने ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ना डेट्स अनाउंस कर दी हैं उनकी सीरीज की, तो क्या कहोगी इस पर के मतलब ये अब सीरीज कैसी जाएगी? अच्छी चलेगी या नहीं? मेरा ख्याल से अच्छी चलेगी। ख्याल है, ख्याल है। अच्छा, तो अच्छा, अगर जो न्यूजीलैंड के अच्छे प्लेयर्स हैं ना, उनका ये कहना है ट्रिम पॉट और विलियम सेन का कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, हम तो आईपीएल खेलेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्या वजह? वजह ये है कि उधर से उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बजट उनका ज़्यादा हाई है, जो यहाँ पर उनको नहीं मिल सकता, तो इसीलिए वो प्रेफर वहाँ का कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले उनको क्यों इतना बजट क्यों नहीं दे पा रहे? पाकिस्तान के खुद के हालात इतने खराब है, वो बजट दे ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, तो अब जो आईपीएल है ना, उनका ये कहना है कि हमें प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल की जरूरत है। कहना तो उनको बिल्कुल ठीक है उनका ये कहना। अच्छा, तो अब देखें आगे वो क्या करते हैं, क्या होता है। अच्छा देखो, अब न्यूजीलैंड से अच्छी टीम तो अब आने वाली नहीं, क्योंकि अच्छे प्लेयर तो उनके वहाँ जा रहे हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये सीरीज कौन जीतेगा, किसके चांसेस हैं? जीतने तो पाकिस्तान को ही चाहिए। अच्छा, लेकिन न्यूजीलैंड को पता है स्ट्रॉन्ग टीम है, तो अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखो ना, अच्छे प्लेयर तो सारे जा रहे हैं, तो अब पाकिस्तान के जीतने के चांस हैं थोड़े बहुत? पाकिस्तान के जीतने के चांस हैं, होप फॉर द बेस्ट कि वो जीते, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। चले, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहती हूँ? यही कि पाकिस्तान से प्यार करें, पीएसएल देखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जी, मैं पीएसएल इंटरेस्टेड है पीएसएल में। ऑब्वियसली मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूं, तो अभी भी खेलते हैं? हां नहीं, अब तो एज हो रही है, लेकिन ये है कि आप देखने की हद तक। लेकिन आप अभी भी अगर खेले तो कहते हैं कि क्रिकेट खेलने से बंदा फिट रहता है। हां, थोड़ी बहुत बच्चों के साथ कभी कभार हो जाता है, कुछ स्टूडेंट के साथ हो जाता है, लेकिन अब वो टेप बॉल से खेलते हैं, बड़ी वो हार्ड बॉल से डर लगता है। अच्छा सर, अगर आप पीएसएल देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम पीएसएल की कंडीशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो दो बड़े शहर हैं कराची और लाहौर, वो डाउन हो गए। अच्छा। और लाहौर कलंदर का आपको पता है कि वो जुनून सा रहता है पीएसएल में, तो वो आउट है। लेकिन बहरहाल दलमी है, अपना इस्लामाबाद है, मुल्तान है, और कलंदर भी है, वो सॉरी जो क्वेटा की टीम भी है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। सर देखिए, अब ये पीएसएल खत्म होने वाला है, ठीक है, अब उसके बाद 22 मार्च से आईपीएल की लीग स्टार्ट होने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, उसमें जो न्यूजीलैंड के जो अच्छे प्लेयर हैं, मैंने सुना है कि उनका तो यही प्रेफरेंस है कि वो आईपीएल में जाएं, तो अब जो पाकिस्तान में ये सीरीज हो रही है, ये हमें चाहिए था इसको स्केड्यूल करने में कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब वो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और उसमें न्यूजीलैंड के जो अच्छे प्लेयर जा रहे हैं, तो फिर वो एक जिसको कहते हैं ना कि कांटेदार मुकाबला जो है वो नहीं हो पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में तो इतने प्लेयर हैं कि आप एक से दूसरे को रिप्लेस करें, लेकिन जब बाहर से कोई टीम आती है तो हम ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द लॉट जो है वो पाकिस्तान में आए, हम उनको देखें और हमारे प्लेयर जो हैं, नौजवान जो हैं, उनसे सीखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है, तो ये स्केड्यूल करने में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अगर एक बड़ा इवेंट चल रहा है तो फिर आप अपने इवेंट को थोड़ा सा आगे पीछे। देखिए ना सर, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और पीसीबी ने अब अनाउंस कर दिया आकर कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर खेलना ज्यादा प्रेफर करेंगे या आईपीएल में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे? मेरा ख्याल है आईपीएल जो है वो जिस तरह से अब क्रिकेट बन गई है, तो आईपीएल को चूंकि लोग ज्यादा देखते हैं, और फिर ये है कि उनको वहाँ से पेमेंट भी ज्यादा होती है, तो ये भी मामला है, तो वो ज्यादा मेरा ख्याल है कि उधर ही फिर वो जाएंगे। न्यूजीलैंड, हाँ जी, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है ना,
ड्रीम बोर्ड है और जो विलियम सेन है उनका तो यही कहना है कि हम आईपीएल खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं आने वाले, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सीरीज अब पाकिस्तान जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड? मेरा ख्याल है कि अगर उनकी अच्छी लौट नहीं आ रही तो फिर पाकिस्तान के एक तो होम ग्राउंड है ये भी उसको एडवांटेज है, और दूसरा ये है कि उनके पास मतलब उनके जो बेस्ट प्लेयर हैं अगर निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो पिछले साल हमारी सीरीज हुई थी ना उसमें भी न्यूजीलैंड नहीं जीता था, पाकिस्तान नहीं जीता था। अली अब काफी अब ये पीएसएल जो हो रहा है ना इसके अंदर जो नए लोग आए हैं उनकी परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि दे विल परफॉर्म वेल। हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन आए हैं, हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर बैट्समैन में आप साहिम अयूब की बात कर सकते हैं, उस्मान जो है वो भी बेस्ट, और ये जो मीर है हमारा स्पिनर उसामा मीर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारी बॉलिंग साइड भी जो है वो भी खासी, मोहम्मद अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली हम जीतेंगे। होम क्राउड का और होम ग्राउंड का भी तो एडवांटेज है ना। अच्छा सर, अगर ये अब सीरीज होती है तो जो न्यूजीलैंड की तरफ से जो टीम आएगी वो इतनी कोई हाई प्रिविलेज नहीं होगी, नॉर्मल टीम होगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर्स तो आईपीएल में जा रहे हैं। जी जी नहीं, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि इससे ये होगा कि वो जो हम चाहते होते हैं ना कि एक कांटेदार मुकाबला हो वो नहीं होगा, वो शायद हमें देखने में ना मिले। अच्छे प्लेयर जब नहीं आएंगे तो जाहिर है कि ये फिर एक पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने कहा कि होम ग्राउंड भी है, होम क्राउड भी है और उनके अच्छे प्लेयर नहीं है, तो मतलब इस साइड पे विनिंग का झुकाव इस साइड पे है। पीसीबी ये कह रहा है कि जो आईपीएल है ना, आईपीएल की जो लीग है और इंडिया जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म करना चाह रहा है अपनी ये लीग करवा कर। नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट पाकिस्तान में एक रिवाइवल हुआ इसका इंटरनेशनल का, ये क्रिकेट ख़त्म नहीं हो सकती। आप इतवार को निकल जाएं जितने गली मोहल्लों में बच्चे खेलते हैं और लोगों से पूछे कि कितने उसके शीशे टूटते हैं, क्रिकेट ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान में। अब बहुत नर्सरी हो गई, यानी आप ये देखें ना कि पीएसएल में देखें कि आपके पास ओपनर कितने कितने अच्छे आ गए और बड़ा कंपटीशन है, बॉलिंग के अंदर कंपटीशन आ रहा है, बैटिंग के अंदर कंपटीशन आ रहा है, क्रिकेट ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर, ये रहेगी पाकिस्तान बहरहाल। ये मैं इससे इतबार नहीं करता। फिर आईपीएल का कहना ये है कि हमें आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल की जरूरत है। ये जाहिर है कि एक थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इसमें प्रोफेशनलिज्म आया है, कुछ ये है कि पैसे वैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो जाहिर है फिर ये इंसान के कोई मटेरियल फाइनेंशियल परसूट्स भी तो होते हैं ना, तो अगर इतनी मेहनत करते हैं अगर उनको कहीं से अच्छा मुआवजा मिलता है। ये प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि जितने आप एफिशिएंट होंगे आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको उतना ही मुआवजा जो है वो मिले। बिल्कुल सर, आपको ये इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाती है। एक तो होता है ना नेशनल प्राइड, तो सब अब ये है कि नेशनल प्राइड से निकल के आप फिर वो थोड़ा सा मटेरियलिज्म की तरफ भी चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब अगर हम ये पीसीबी ने ये गलत फैसला किया है कि मतलब अब देखें आईपीएल स्टार्ट होने वाला था और बीच में वो ये सीरीज ले आए हैं, तो इससे पीसीबी को नुकसान नहीं होगा? पीसीबी को नहीं, पीसीबी को कोई नुकसान नहीं होगा। पीसीबी अब देखें ना, पीसीबी को नुकसान तो तब होना कि जब क्राउड ना आए, क्राउड तो आएगा ठीक है ना, उनकी अर्निंग जो है क्राउड से है, उनकी अर्निंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट से है, तो वो तो सारा ना, कोई अच्छा प्लेयर आ ही नहीं रहा न्यूजीलैंड का तो फिर नहीं। हमारे यहाँ ये है कि लोग जाते हैं ग्राउंड के, नुकसान नहीं, आप उसको नुकसान किस सेंस में कह रहे हैं? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीसीबी का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? नहीं, पीसीबी का ये इस लिहाज, एक अच्छी क्रिकेट के लिहाज से ना, नुकसान और चीज है, अच्छी क्रिकेट और चीज है, तो अच्छी क्रिकेट के लिए इनको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे? खेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ये मतलब एक नेशन डेवलपमेंट, एक अच्छी एक्टिविटी खेल है, तो इसको रहना चाहिए। और इसी तरह से
हमारे ग्राउंड्स जो है वो आबाद रहे। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका।